नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम अपनी सीरीज़ को इंग्लिश के अलावा हिंदी के क्वेश्चंस में भी जो है कन्वर्ट करके प्रयास करेंगे कि उसके लिए भी रेगुलर जो है हिंदी में भी आपको जो है उन्हीं क्वेश्चंस का वीडियो डालें। तो इस प्रयास को आज से लागू करने का कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको जो है बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो आज हिंदी का जो है, वैसे तो हिंदी के एक दो वीडियो डाल चुके हैं हिंदी के प्रश्नों के अभ्यास के लिए, लेकिन आज जो है हमारा हिंदी के प्रश्नों का नियमित अभ्यास करने के अनुसार देखें आप तो जो है पहला वीडियो है। और एक कोट से हम लोग जो है आज शुरू करते हैं। तो आज का कोट है कि विजय के लिए मात्र जीतने की इच्छा पर्याप्त नहीं होती, विजय के लिए की गई तैयारियां अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। विजय यूं ही कैसे मिल जाएगी? विजयी तो हर व्यक्ति होना चाहता है, किंतु विजयी होने के लिए हर कोई समुचित तैयारियाँ नहीं करता। जीतने के लिए की गई तैयारियाँ जीतने के लिए इच्छा शक्ति को और दृढ़ करती हैं। तो इसलिए जो है, अगर विजय चाहिए तो विजय के लिए आपको वैसी तैयारियां करनी होंगी। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति भी मजबूत नहीं होगी और विजय भी प्राप्त होने में हमेशा शंका का भाव बना रहेगा। तो इसलिए हमेशा अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ रखिए और अपने प्रयासों की जो सघनता है, उन प्रयासों की सघनता को और बढ़ाइए। तो जैसे जैसे आपके प्रयासों की सघनता बढ़ेगी तो सघनता जो है निरंतरता में बदलती है, और निरंतरता जो है वो सफलता के परिणामों में बदल जाती है। तो इसलिए अपने प्रयासों की सघनता को हमेशा बढ़ाइए और लगातार लगे रहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अपने पहले तो जो कल के प्रश्न थे, यानी 9वें दिन के प्रश्न, उनको हम लोग जो है देख लेते हैं इंग्लिश में। हालांकि इंग्लिश वीडियो हम सुबह डिस्कस कर चुके हैं आंसर, तो अब हिंदी की वीडियो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था, सही कथन खोजें। G20 लोगों के भारतीय ध्वज के वो सॉरी G20 लोगों भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे और काले से प्रेरणा लेता है। अब आप इस स्टेटमेंट को देखिए, ये बड़ा ही नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। बहुत सारे सोचिए, तिरंगे झंडे से स्टेटमेंट बना है और बड़ा सामान्य है। देखिए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो एक तरीके से चैतन्य कह सकते हैं जिनको, तो उन लोगों ने ध्यान दिया होगा कि तिरंगे में काले रंग का प्रयोग नहीं होता है। पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस चीज़ पे आज तक कभी शायद ध्यान ना दिया होगा, या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है इसको आपने पढ़ लिया हो कि जो है नीला रंग इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी दिमाग कभी कभी प्रत्युत्पन्न मति होती है, जिसको कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है तुरंत कभी कभी काम नहीं करती है। तो ये यहाँ पे ये जो काले से प्रेरणा लेता है ये गलत है, नीला रंग इस्तेमाल होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है। बी है, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो 15 अगस्त 2023 को इसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 साल की अवधि है। अब इस स्टेटमेंट में देखिए कई सारे क्लू हैं। पहली बात कि G20 की अध्यक्षता आप देख रहे होंगे तो भारत लगभग पिछले नवंबर से तो कर ही रहा है, तो इससे भी जो है ये स्टेटमेंट पकड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये कि अमृतकाल की शुरुआत हो चुकी है। तो G20 की अध्यक्षता अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है, ये बात सही है। पर 15 अगस्त 2023 को इसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25, तो आप ये बताइए अगर 2023 से शुरू होगी तो फिर जो है कैसे 15 अगस्त 2023 को इसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 साल की अवधि है। तो आप सोच रहे होंगे कि शुरू, आप इसी समझ लीजिए कि शुरू होने वाली अवधि अगर होती तो अमृतकाल जो है लगातार एक साल से इतना चर्चा में आप देखते होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां अमृतकाल की बात करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है। तो दोनों गलत हो गए, ए और बी। सी देखिए, भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 ट्रोइका के सदस्य अर्जेंटीना, भारत और इंडोनेशिया हैं। अब इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा दिमाग से खेलने की कोशिश की है कि अर्जेंटीना को जानबूझ के थोड़ा पहले डाला, क्योंकि अगर ये अर्जेंटीना बाद में होता ना तो फिर आपके शायद जल्दी पकड़ में आ जाता। तो भारत और इंडोनेशिया जो है आपको पता है, तो ट्रोइका में वो देश शामिल होते हैं जिसने पहले अध्यक्षता की हो, वर्तमान में जो अध्यक्ष है और जो भविष्य में अध्यक्ष रहने वाला है अगले सत्र में। तो इंडोनेशिया ने 2022 में की है, 2023 में भारत कर रहा है और 2024 में ब्राज़ील करेगा। तो ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील ये होंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब है चौथा अपने आप सही होगा। तो डी सही है, हालांकि इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट पड़ा हुआ है, ई भी हमने डाल रखा है कि उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो फिर चौथा स्टेटमेंट भी देखना अनिवार्य है। G20 की स्थापना 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में एक अनौपचारिक मंच के रूप में की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिकीकरण विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर चर्चा करेंगी। तो ये स्टेटमेंट सही है कि हाँ, इसीलिए 1999 में की गई थी ताकि जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशन पे बात कर सकें। तो ई गलत है, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, ये इससे तो कोई मतलब ही नहीं, डी सही है। दूसरे प्रश्न को देखिए, सही कथन खोजें, इसमें सही बताना है। तो भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया। अब आप इस स्टेटमेंट को देखिए ज़रा, कम से कम 8-9 देशों के नाम लिख रखे हैं, तो इतने देशों के नाम कौन याद रख पाएगा? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि इतने नाम याद रखने पड़े, या फिर कोई इसमें ऐसा देश, अब देखिए कैसे तोड़ते हैं हम लोग स्टेटमेंट को, या तो इसमें कोई ऐसा देश पड़ा होगा कि जिसके बारे में ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि भारत इसको इन्वाइट करेगा, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ऐसा कोई देश नज़र नहीं आ रहा है कि जिसमें जिसे भारत इन्वाइट नहीं कर सकता। तो अब नंबर दो ये आता है कि फिर इतने देशों को देने क्या मतलब है, तो अभी फिलहाल के लिए इस स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं, रुक गए। दूसरा बी देखते हैं, अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य नहीं है, सही बात है, लेकिन भारत ने नेपाल के साथ इस संगठन को आमंत्रित किया है। तो नेपाल जो है G20 में है, शामिल तो है, ये बात भी सही है। अब सवाल ये उठता है कि आमंत्रित किया है कि नहीं किया है। तो जब आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे G20 की अध्यक्षता के समय होता क्या है कि अफ्रीकन यूनियन, नेपाल, ये दोनों जो है हमेशा उसके साथ हर बैठक में होते ही हैं, इनको आमंत्रित नहीं करना पड़ता है। आमंत्रित जो है भारत ने 3 संस्थाओं को किया है, और वो 3 संस्थाएं जो अलग हैं, हमने डिस्कस की हैं G20 के वीडियो में, आप देखिएगा जाके उसको। ऐसे एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किया है, दूसरा कोलिशन फॉर डिजास्टर एंड रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को किया है, CDRI, तीसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसको किया है। सी देखिए, तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत, बी गलत हो गया। सी देखिए, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की स्थापना 1999 में हुई थी। एंटी करप्शन वर्किंग समूह भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर G20 नेताओं को रिपोर्ट करता है। अब आप देखिए इस स्टेटमेंट में नीचे तक लंबा लिख रखा है, तो देख के इसको घबराना, इसकी पहली लाइन में ही इसकी गलती पकड़ी जा रही है कि एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की स्थापना 1999 में हुई थी। अब देखिए कि 1999 में G20 की पहली बैठक हुई, तो जब पहली बैठक G20 की 1999 में हो रही है, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया है तो या तो जनरली आपको कभी पढ़ने को मिल जाता, और अगर नहीं मिला है पढ़ने को तो इसका मतलब की नहीं गई होगी, या फिर एकदम शुरुआत का मामला 1999 का ही, तो इतना तो अपने को पता भी होना चाहिए कि पहली बार G20 ने क्या किया। तो यहीं से आपको पकड़ में आ जाता कि ऐसे कोई वर्किंग ग्रुप की स्थापना नहीं की गई है। सी भी गलत है। अब डी आ गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों को यही देखना था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो ये ऊपर के तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसलिए डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3, ये देखिए इतना डिस्कशन आज इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ये समझ जाएं कि ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं या स्टेटमेंट कैसे तोड़े जाते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं छोटी छोटी। तो बहुत ईजिली आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे ना, धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है, ब्रेन क्या करता है, मैपिंग करता है एल्गोरिथम्स की। जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एल्गोरिथम्स बनाई जाती हैं, वैसे ही ब्रेन जो है वो एल्गोरिथम्स बनाता है। तो अगर आपने क्वेश्चन को क्रैक करने के एल्गोरिथम धीरे धीरे करके अपने दिमाग में डेवलप कर लिए, तो फिर आप समझिए कि दिमाग आपका पढ़ते समय भी वही चीज़ें पकड़ेगा कि जहाँ से स्टेटमेंट बिगाड़े जा सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जो है दूसरों से बेहतर परफॉर्म करने लगेंगे। तो इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लीजिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो ये स्कोरिंग होते हैं जिसमें केवल 4 स्टेटमेंट होते हैं, तो सिंपल अगर आप पकड़ के तोड़ ले गए उस समय क्वेश्चन, तो आप समझ ही रहे होंगे एक एक क्वेश्चन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के बारे में सही कथन खोजें। पहला कथन है, सही ढूंढना है इस बार। पहले 1962 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार की स्थापना की गई थी, जिसकी कल्पना डॉक्टर HJ भाभा ने डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ मिलकर की थी। अब आप देखिए इस स्टेटमेंट को, पूरा स्टेटमेंट जो है आपको सही लगेगा, बस इसमें गड़बड़ ये किया गया है कि विक्रम साराभाई के साथ में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है, हालांकि थे तो समकालीन और उनके बड़े अच्छे मित्र भी थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि इनकोस्पार की स्थापना में जो है उनका कोई रोल रहा हो, क्योंकि उस समय फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में, यानी जो अहमदाबाद में PRL लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी के निदेशक थे विक्रम साराभाई जी, तो वहाँ रहते उन्होंने ये काम किया। तो इसमें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का ऐसा कोई प्रत्यक्ष योगदान कहीं भी नहीं मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, हम लोग को सही कथन ढूंढना है। दूसरा ये बी, अंतरिक्ष विज्ञान सलाहकार समिति अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम का समन्वय करने वाली प्रमुख समितियों में से एक है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि हमने जब जिस समय हम लोगों ने अभी स्पेस सेक्टर अपना जो है कंप्लीट मींस स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोगों ने इसरो से स्टार्ट किया। इस समय हम लोग जो है सैटेलाइट्स के टाइप पर डिस्कस करने वाले हैं आज।
तो आपने गौर किया होगा कि वहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन के लिए तीन कमेटी बताई थी, तो उन तीन कमेटियों में से ये लेबोरेटरी तो शामिल नहीं थी। तो ये चीज़ अगर अपने ध्यान देखिए सारा सिस्टम, अगर आपने, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार तो एटलीस्ट कम से कम आपको जो है समग्रता में देखना ही चाहिए। समग्रता में आप पूरी तरीके से जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप जो है आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे, चीज़ों को क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। और इस समय जो पैटर्न बन रहे हैं एग्ज़ाम के, तो एग्ज़ाम के पैटर्न देखिए, पेपर बनाने वाले को भी पता है कि आप जो है किस लेवल पर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो है सामाजिक माहौल इस समय शिक्षा का जो वातावरण है वो कैसा है। तो इसलिए क्वेश्चन के लेवल को भी धीरे धीरे गहरा करते जा रहे हैं। इसलिए अपनी अप्रोच अगर आपने जो है कम्प्लीट वे में रखी है तो फिर जो है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अपनी अप्रोच को कंप्लीट वे में रखना ये बहुत बड़ा काम है, वो भी निरंतरता के साथ। तो हमने क्या, ये वास्तव में देखिए सरल काम नहीं है सबके लिए कर पाना, क्योंकि जैसा शिक्षा का वातावरण और जैसा शिक्षकों ने वातावरण बनाया है अभी तक का जो भी विकास हुआ है परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में, तो उससे अब शिफ्ट करना एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग एक तरीके से एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ये हमने एक प्रयास किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसको कंप्लीट वे में पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को, इवन हम ये कहेंगे कि आप जो है जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ा चैनल पे आकर के, तो उसके बाद लास्ट ईयर के आए हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हैं आप उसको सर्च करिए कहीं जहां से भी मिल सके आपको। इवन हम भी टाइम मिलेगा हमको तो हम धीरे से उसको जो है एक जगह पेयर अप करके डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस को टॉपिक ख़त्म करने के साथ मैं डिस्कस करूं। तो आप चेक करिए कि जो है इतना पढ़ने के बाद में आपने अगर समय दिया अपना किसी टॉपिक पे 2.5 से 3 घंटा वीडियो देखने के लिए, चूंकि कंप्लीट वे में बनाए इसलिए देखिए लगभग 5-6 पार्ट बन जाते हैं हर वीडियो के, तो आप उसको सुनिए और सुनने के बाद आप ये देखिए कि क्या अब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बच रहा हो। तो अगर नहीं बच रहा है तब आप समझ जाइए कि अब आप सही रास्ते पर हैं। और अब आप देखिए, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सी देखिए। अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में डॉक्टर साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए देश के सभी कोनों से सक्षम और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, मानव विज्ञानी, संचारकों और सामाजिक वैज्ञानिकों को एकत्र किया। ये अभी हमने बताया था, ये स्टेटमेंट सही है, तो सही कथन ढूंढना था, सी सही है। डी आप देख लीजिए, इसमें जो है आप देखेंगे, अब इसको दिए देख लेते हैं ये गलत कैसे किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में स्थित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में शुरू हुआ। थुम्बा को रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि पृथ्वी की भूमध्य रेखा थुम्बा के ऊपर से गुजरती है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से एक तो स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब भूमध्य रेखा थुम्बा से गुजर नहीं सकती अगर थुम्बा केरल में है तो, लेकिन फिर भी एक इक्वेटर वहाँ से गुजरती है, तो वो जो है वो मैग्नेटिक इक्वेटर है, चुंबकीय भूमध्य रेखा है। और आपको बता दें कि पोल जो है, नॉर्मल पोल जो है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये अलग हैं, और अर्थ के जो साउथ मैग्नेटिक पोल और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हैं ये अलग हैं। ये कैसे डिसाइड होते हैं इसके बारे में आप समझ लीजिए कि मैग्नेटिक पोल उन जगहों को बोलते हैं, जैसे सपोज करिए कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई ऑब्जेक्ट एंटर कर गया, तो अर्थ के जब एंटर करेगा तो उसके बाद अब अर्थ क्या करती है, ऑब्जेक्ट को जलाना शुरू कर देगी, जो फ्रिक्शन होगा उससे आग लग जाएगी, वो घिसने लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें एक टर्म पढ़ा होगा अरोरा, कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो है आसमान में नीली हरी तरह तरह की लाइटें दिखाई देती हैं, अरोरा, जिसको आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रॉलिस और बोरियालिस कहते हैं। तो वो जो है वो ये मैग्नेटिक पोल की वजह से, कि चुंबकीय बल रेखाओं के अनुरूप जहाँ जा कर के उन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए तो वहीं जा कर के वो खत्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ को कभी डिटेल से डिस्कस करेंगे हम लोग ज्योग्राफी के लिए जब आगे बनाएंगे हम लोग। तो ये डी जो है गलत हो गया। चौथा देखिए प्रश्न, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अब चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे, आप ये मैं सोचे कि बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं। तो सही कथन खोजे, सही कथन देखना है अपने को। पहला, हाल ही में कुछ प्रारंभिक छवियां मथुरा के कंकाली टीले में पाई गई हैं और लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, वे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। देखिए मथुरा के कंकाली टीले से अभी हाल ही में जो है जैन धर्म से संबंधित कुछ जो है प्रतिकृतियां मिली हैं, तो ये कथन गलत है। हमने एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो जो द हिंदू में आर्टिकल आया था उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं बी, पुनर्जन्म का विचार वेदों के प्रारंभिक साहित्य में गायब है लेकिन बाद के वैदिक ग्रंथों में और प्रारंभिक उपनिषदों में दिखाई देता है जो पार्श्व के समान समय के हैं। पार्श्वनाथ के लिए यहाँ पे पार्श्व लिखा हुआ, एक्चुअली उस स्टोरी में जो है उनको पार्श ही बोला जा रहा था। पार्श्वनाथ को ये माना जाता है कि इन्होंने जो है पहली बार कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत दिया ऐसा। तो पहला ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है कि पहले जो है नहीं था, और पार्श्वनाथ जो थे कहते हैं कि उन्होंने पहली बार, ये माना जाता है कि पहली बार कर्म और पुनर्जन्म के बारे में बात करने वाले पार्श्व थे, तो इसलिए उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में जो है या उपनिषदों में चर्चा मिलती है आकर के पुनर्जन्म की। सी, आजीवक और निग्रंथ से तात्पर्य उन लोगों से है जो सचेतन रूप से जीवन की सभी गांठों को खोल देते हैं। देखिए
निग्रंथ तो खोल देते हैं, ये सही है। आजीवक ऐसा नहीं करते, आजीवक जो है ये मानते हैं पूर्ण रूप से भाग्यवादी होते हैं, नियतिवादी होते हैं, तो ये मानते हैं कि चूंकि मृत्यु अवश्यम भावी है और एक दिन हमारी तरफ आएगी ही, डेथ इज़ ए इनेविटेबल आवर इन ए ह्यूमन बींग्स लाइफ, तो हम खुद ही स्पीड से इसकी तरफ चले जाते हैं, इसलिए उपवास करते हैं। देखिए, जैनों की संलेखना पद्धति में और आजीविकों के उपवास से प्राण त्यागने में दोनों में अंतर है। जैनों के वस्त्र त्यागने में और आजीविकों के वस्त्र त्यागने में दोनों में मूल भावना का अंतर है। यही जो है वो देवदत्त पटनायक की स्टोरी थी, द हिंदू में छपी हुई थी हिस्टोरिकल। तो देवदत्त पटनायक ने 50 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं मिथोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर पे, तो वहाँ से वो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था और उससे हमने जो है देखा था आजीवक और जैन धर्म के बीच में अंतर। तो डी पे आते हैं, और डी, उड़ीसा की उदयगिरी गुफाएं और बिहार की लोमस गुफाएं जैन धर्म और आजीवक से संबंधित हैं, लेकिन बिहार की बराबर गुफाएं आजीवक से संबंधित नहीं हैं। तो इसको आप देखेंगे ज़रा कि बिहार की जो बराबर गुफाएं हैं, पहले तो आप देखिए कि आजीवक से संबंधित हैं उदयगिरी की गुफाएं और बिहार की लोमस गुफाएं। बिहार की बराबर गुफाएं आजीवक से संबंधित नहीं है, तो इसको आप बहुत आसानी से पकड़ सकते थे। एक्चुअल में जो लोमस गुफा है वो बराबर गुफाओं का ही दूसरा नाम है। तो ये जो ऑप्शन है ये अपने आप में खुद ही कॉन्ट्रेडिक्टरी है ये कथन, तो डी तो गलत हुआ ही। तो देख रहे हैं आप कैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, पकड़ी जा सकती हैं। पाँचवा गलत कथन ढूंढना है इसमें। आप पहला देखिए, स्टेप कार्यक्रम के बाद खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट आया जिसने गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में आवश्यकता आधारित और स्थानीय विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारण के लिए एक फील्ड प्रयोगशाला के रूप में काम किया। केसीपी को 1984 में ग्रामीण संचार दक्षता के लिए यूनेस्को IPDC पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है और हो सकता है आपको पता हो भी हो ना भी हो, तो अभी आप इसको छोड़ देते हैं। बी देखिए, अस्थिर नाभिक अपनी स्थिर अवस्था में लौटने के लिए आकस्मिक कण या विद्युत चुम्बकीय तरंगें छोड़ सकते हैं, लेकिन यूरेनियम में कोई स्थिर आइसोटोप नहीं होता है। देखिए, हम जो है अभी जिस समय स्पेस टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं तो रेडिएशन की वहाँ बहुत चर्चा आई है। तो रेडिएशन में आपको बताया कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट रेडिएशन करता है, लेकिन साथ में अब ये इसमें जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है कि लेकिन यूरेनियम में कोई स्थिर आइसोटोप नहीं होता है। ये देखिए स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप समझिए, यूरेनियम ही न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए क्यों यूज किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कॉज भी यही है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट आप यूज़ करेंगे कि जो स्टेबल हो जाएगा रेडिएशन के, क्योंकि रेडिएशन इसलिए करते हैं एलिमेंट ताकि हम स्टेबल स्टेट में चले जाएं, तो स्टेबल स्टेट में अगर चला गया तो रेडिएशन करना बंद कर देगा, और अगर अपने को न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए तो फिर हमें कंटिन्यूसली रेडिएशन करने वाला एलिमेंट चाहिए, और कंटिन्यूसली रेडिएशन करेगा कौन? वो करेगा जो स्टेबल कभी हो नहीं पाएगा। और स्टेबल हो कौन नहीं पाएगा? वो स्टेबल नहीं होगा जिसका स्टेबल आइसोटोप नहीं होगा। तो जब होगा नहीं आइसोटोप, तो यूरेनियम के साथ यही है कि उसका स्टेबल आइसोटोप है ही नहीं। दैट्स वाई यूरेनियम जो है कंटिन्यूसली रेडिएशन करता है, और यही वजह है कि हम लोग यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं। तो बी जो है ये सही है, हम लोगों को गलत स्टेटमेंट देखना है, पहला हमने भी छोड़ रखा है। सी पे आइए, कार्बन 12 के नाभिक में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं, यूरेनियम 238 के नाभिक में 92 प्रोटॉन 146 न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए, यूरेनियम और कार्बन तो बड़ा नॉर्मल एलिमेंट है, यूरेनियम भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में एटलीस्ट हमें इतना पता होना चाहिए, सामान्य जानकारी की बात है। तो ये सही है सी। डी पे आते हैं कि पृथ्वी की निचली कक्षा वायुमंडल के शीर्ष ठीक ऊपर से शुरू होती है, जबकि पृथ्वी की उच्च कक्षा चंद्रमा के रास्ते के 10वें हिस्से से शुरू होती है। देखिए, चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3.5 लाख किलोमीटर, इतना आपको पता होना चाहिए। 10वां हिस्सा क्या हुआ? 35,000 किलोमीटर। तो इसका मतलब सही है, हाई अर्थ ऑर्बिट जो है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो है 35,780 किलोमीटर के आसपास होती है, 36,000 किलोमीटर, कहीं कहीं 42,000 समथिंग भी मिलता है, 42,164 भी मिलता है। उसके बाद देखिए पाँचवा स्टेटमेंट, यदि कोई उपग्रह ऑपरेटर की उपग्रह की कच्ची गति को बढ़ाना चाहता है तो वह उपग्रह को गति देने के लिए बस थ्रस्टर्स को फायर कर सकता है, ऐसा करने से कक्षा को बढ़ावा मिलेगा जिससे कच्ची गति तेज हो जाएगी। ये देखिए, हम लोगों जो स्पेस टेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे पैराडॉक्स का हम लोगों ने जिक्र किया था कि अगर आपने ऑर्बिट बढ़ाई किसी सैटेलाइट की तो फिर जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी का असर कम होगा। तो अगर आप ऑर्बिट घटा देते हैं, मीन्स नीचे वाली ऑर्बिट में आ जाता है, तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसलिए सैटेलाइट की अगर स्पीड आपको बढ़ानी है तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, थ्रस्टर उल्टी दिशा में लगाएंगे ताकि स्पीड उसकी पहले धीमे हो और अपने नीचे वाली ऑर्बिट में आए, फिर परमानेंटली स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये DE जो है ये गलत है। तो आप समझ गए होंगे, आप जब ये गलत है तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही था। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई हार्ड स्टेटमेंट मिले तो घबराना नहीं है, देख के उसको नीचे तक एक बार पूरा क्वेश्चन को रीड करना, हो सकता है कोई इजी लूज पॉइंट मिल जाए। और इवन हम आपको यही कह रहे हैं कि जब भी कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट मिले ना जिसे देख के लगे कि अरे ये तो बिल्कुल ऊपर सात हाथ ऊपर से जा रहा है आपके, तो उस समय तो एकदम सचेत हो जाना है कि उस समय सबसे ज़्यादा इस बात की संभावना होती है कि आगे कहीं आपको लूज पॉइंट मिलने वाला है, सतर्क हो जाइए। क्योंकि इतना हार्ड स्टेटमेंट, या तो फिर जो एग्जामिनर ये सोच ले कि ये क्वेश्चन कोई ना ही करे,
और अगर ये सोचा है कि करे तो फिर आगे लूज पॉइंट होगा। तो इसी के साथ हम लोग का जो कल के क्वेश्चन थे उनके आंसर डिस्कस हो गए। आज के आप देख लीजिए पांच क्वेश्चन, फटाफट जल्दी करते हैं, समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो सही कथन खोजना है आपको। ए, G20 CSAR भारत की मौजूदा अध्यक्षता के दौरान शुरू की गई एक नई पहल है। बी, 2012 में लास काबोस, ये शायद बहुत लोगों ने तो शहर का नाम पहली बार सुना होगा, लास काबोस, ये मैक्सिको का एक शहर है और यहाँ जो है G20 सम्मेलन हुआ है कभी, अब 2012 में हुआ कि नहीं ये हमें नहीं पता, या पता भी है तो भी अभी नहीं बता सकते। 2012 में लास काबोस में शिखर सम्मेलन का फोकस युवा बेरोजगारी से लड़ने, चलिए बता देते हैं 2012 में ही हुआ है, ठीक है। 2012 में लास काबोस में शिखर सम्मेलन का फोकस युवा बेरोजगारी से लड़ने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज और उचित आय के साथ गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा करने पर नहीं था। सी, 2013 में सेंट पीटर्सबर्ग में कर चोरी और कर चोरी से निपटने पर बड़ी प्रगति नहीं हुई थी। G20 कर सूचना के स्वचालित आदान प्रदान और आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण पर कार्य योजना पर सहमत हुआ G20, ठीक है, या डी, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, आप देखिए, इंडोनेशिया ने अपने राष्ट्रपति पद के लिए समग्र विषय के रूप में रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर को चुना, जो कि COVID-19 की महामारी से मजबूत और समावेशी वैश्विक पुनर्प्राप्ति को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। बी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक भारत सरकार के सहयोग से भारत में एक नई सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा बनाने के लिए $825 मिलियन तक का निवेश करेगी। सी, निर्णायक एजेंडा, इसको जो है आप ब्रेक थ्रू एजेंडा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा 2030 तक वैश्विक स्तर पर किफायती नवीकरणीय और कम कार्बन हाइड्रोजन उपलब्ध कराना है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें हम लोगों को ढूंढना है गलत स्टेटमेंट। उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, इसमें भी गलत कथन ढूंढना है आपको। ए है, इसरो का प्रमुख मील का पत्थर कम पृथ्वी की कक्षा में 100 किलोग्राम रखने की क्षमता वाला, ये कम पृथ्वी की कक्षा मतलब ये कि निचली पृथ्वी की कक्षा है, ठीक है, पृथ्वी की निचली कक्षा में 100 किलोग्राम रखने की क्षमता वाले पहले लॉन्च वाहन SLV-3 का विकास था। ये इसरो के प्रमुख एक मील पत्थर था जिसकी 1980 में पहली सफल उड़ान थी। बी, समय की शुरुआत से ही पृथ्वी पर जीवन प्राकृतिक वातावरण में विकिरण के संपर्क में रहा है। कितना सुंदर और प्यारा छोटा सा स्टेटमेंट है, अपने को गलत ढूंढना है, याद रखिएगा। सी, विकिरण को ना तो सुना जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना ही सूंघा जा सकता है और ना ही चखा जा सकता है, इसका अधिकांश भाग महसूस ही नहीं किया जा सकता, हालांकि उपकरणों के उपयोग से इसको पता लगाया और मापा जा सकता है। डी, जो प्रकाश हम देख सकते हैं वह इंद्रधनुष के अलग अलग रंगों से बना है, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के केवल एक बहुत छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य प्रकार के प्रकाश में रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, परावैंगनी किरणें, एक्सरे और गामा किरणें शामिल हैं, ये सभी मानव आंखों के लिए अदृश्य हैं। डी, तो हमें गलत कथन ढूंढना है, कौन सा कथन गलत है। चौथा प्रश्न है हमारा, इसमें भी सही कथन खोजना है आपको, कि कुछ सीमित उदाहरणों में उपग्रह ट्रांसपोंडर सीधे अन्य उपग्रहों तक संचारित कर सकते हैं, इस सैटेलाइट मेस टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है। बी, GEO एक तरह का GSO है, यह ग्रह की क्रांति से मेल खाता है, लेकिन GEO ऑब्जेक्ट केवल पृथ्वी के भूमध्य रेखा की परिक्रमा करते हैं और जमीन के दृष्टिकोण से वे आकाश में एक निश्चित स्थिति में दिखाई देते हैं। GSO और GEO का उपयोग दूरसंचार और पृथ्वी अवलोकन के लिए किया जाता है। सी स्टेटमेंट है, पृथ्वी के ध्रुवों के 30 डिग्री के भीतर ध्रुवीय कक्षा का उपयोग टोही, मौसम ट्रैकिंग, वायुमंडलीय स्थितियों को मापने और दीर्घकालिक पृथ्वी अवलोकन प्रदान करने के लिए वाले उपग्रहों के लिए नहीं किया जा सकता है। डी, ऊपर के सभी। देखिए, आपसे गलत पूछा गया है, आपको बताना है कि जो है गलत कौन सा है। और पाँचवा और अंतिम प्रश्न है आज का, एक अत्यधिक, इसमें आपको गलत कथन ढूंढना है, एक अत्यधिक विलक्षण कक्षा आयताकार होती है जिसका एक सिरा पृथ्वी के करीब और दूसरा अधिक दूर होता है। HEO में उपग्रह संचार, उपग्रह रेडियो, रिमोट सेंसिंग और अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। HEO यहाँ पे आपको बता दें कि हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए बात हो रही है, गलत कथन ढूंढना है आपको। बी, मध्यम पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रहों में नेविगेशन और विशेष उपग्रह शामिल हैं जिन्हें किसी भी विशेष क्षेत्र की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। सी, उपग्रह की ऊंचाई बदलने से उसकी कक्षीय गति भी बदल जाएगी, यह एक विचित्र विरोधाभास का परिचय देता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। आज जो है अपना वीडियो 25 मिनट का हो गया, लेकिन अब कल से इतना नहीं होगा, प्रयास करेंगे कि 12 से 13 मिनट 15 मिनट में हो जाए। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जब डीप डिस्कशन करेंगे, अगर कुछ सिखाना है तो थोड़ा समय तो देखिए जाएगा ही। अब सीधा प्रश्न पढ़ दें और उत्तर बता दें आपको, तो इससे क्या फिर आपके दिमाग में क्या इमेज बनेगा और आप क्या सीखेंगे। तो आप सीखें कुछ, ये मेरा पूरा उद्देश्य है ना, औपचारिकताएँ पूरी करना जो है मेरा उद्देश्य नहीं है।
तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपना उद्देश्य बराबर पूरा करूं, और आप प्रयास करिए कि आपकी निरंतरता, निष्ठा, एकाग्रता एक साथ बनी रहे, क्योंकि जब तक ये तीनों नहीं रहेंगी तब तक आप पूर्ण रूपेण समर्पण नहीं हो पाएंगे अपने लक्ष्य के प्रति। तो जब आप समर्पित नहीं हो पाएंगे तो फिर जो है सफलता जो है आपके लिए काफ़ी दूर जाएगी। और शुरुआत में हम लोगों ने आज कोट देखा ही था कि विजय के लिए मात्र जीतने की इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है जीतने के लिए की गई तैयारियां। तो अपनी तैयारियों को जो है ऊंचे स्तर पर रखना है हमको। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। और ये जो आज के 5 प्रश्न हैं इनका उत्तर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और दूसरों के, जैसे मान लीजिए कि आप जो है इस वीडियो को फॉलो करते हैं इसको, तो आप जो है देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके 5-5 प्रश्न करके, जैसे हम लोगों ने आज 50 प्रश्न पूरे किए हैं, पीछे हम जो है 10 वीडियो और डाल चुके हैं हिंदी में, आज से अलग से वीडियो डालना स्टार्ट किया है, अब रेगुलर आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि ये जो है आपके लिए ज्ञानवर्धक है या दिशा का मार्गदर्शन कर रहा है, तो अगर किसी दूसरे के जीवन में आप जो है एक मार्गदर्शक का काम करना चाहते हैं तो आप जो है उसको रिकमेंड भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं, शेष सब आपकी इच्छा पर है। ठीक है, चलिए, नमस्कार।